आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, और उसमें जो हमारा आज का चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते विद एडजस्टमेंट यानी समायोजनाओं सहित। तो ऐसे फाइनल अकाउंट के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, इन तीनों को बनाना सीखेंगे। इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू में हमने फाइनल अकाउंट कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। उन वीडियोज में अभी शुरुआत ही हुई थी कि अचानक पता चलता है कि कोरोना टाइम का वो वीडियो है। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि उस वक्त सिलेबस जो 30% का सिलेबस है उसको हटा दिया गया था बोर्ड के द्वारा, तो फाइनल अकाउंट की कुछ वीडियो बन पाई थी और कुछ वीडियो रह गई थी, तो उस सीरीज को हम पूरा नहीं कर पाए। और जबकि अब बच्चों की रिक्वायरमेंट है, आप लोग बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा भी कर रहे हैं कि वो फाइनल अकाउंट की वीडियो ज़रूर बनाई जाए, तो अब हम फाइनल अकाउंट की वीडियो एक एक करके आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और उसमें हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती है यानी कि अतिरिक्त समायोजनाएँ, जिसमें आउटस्टैंडिंग यानी अदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी पूर्वदत्त व्यय, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अशोध ऋण के लिए प्रावधान, बैड डेट्स की समस्या, ये फाइनल अकाउंट में सबसे ज़्यादा हमारे सामने आती है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा आसानी से मिला लेते हैं, लेकिन अकाउंट और बैलेंस शीट में काफ़ी माथापच्ची होने लगती है। तो इसी प्रकार की समस्याओं पर आधारित है फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खाते। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। इससे पूर्व की जो वीडियोज हैं उनका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, उनको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उन वीडियोज में हमने फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट यानी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ डेबिट में और क्या चीज़ क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटमों को बाकायदे उसमें दिखाया गया है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम पता हो जाता है और सारे मदों को अगर आप याद कर लेते हैं, तो जो ट्रेडिंग के बाद जितने भी खर्चे बचते हैं वे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आइए समझते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने सवाल मौजूद है, ये हमारे पास जो बुक है रीडर्स चॉइस की बुक है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर आप यहाँ देख रहे हैं 6,680 रुपये सकल लाभ है, शुद्ध लाभ यहाँ 3,595 है और 24,745 जो है ये बैलेंस शीट का टोटल है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सवाल तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, उसका हम लिंक आपको दे देंगे। इस डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, उससे आप ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने छोटे छोटे प्रश्नों को भी सॉल्व किया हुआ है जो दिया हुआ है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी भी वीडियो हमने ऑलरेडी YouTube पर अपलोड किया हुआ है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इनके वीडियोज नहीं बनाया है, ये भी बने हुए हैं, ये सारे सवाल ऑलरेडी मेंटेन हैं यूट्यूब पर, जिसका हम लिंक आपको दे देंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है। अब हम इस सीरीज में लॉन्ग क्वेश्चन भी बना चुके हैं, पहला क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा भी बन चुका है, तीसरा भी बन चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। अगर आपके पास मतलब लेटेस्ट बुक है तो हो सकता है कि लेटेस्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 4 के बजाय 5 हो, 6 हो, तो ये आप इसके आंसर से पता लगा सकते हैं कि ये आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अब ये वीडियो जो बन रही है, आज 1 अगस्त है 2023। अब देखो इसको हम बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो 31 मार्च 2023 ही डाला है ताकि ये इसी साल का समाप्त हुआ ईयर माना जाए। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ नीचे समय योजनाएँ भी दी हुई हैं। इन्हीं समय योजनाओं की वजह से बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन जायज है। तो यहाँ पर
सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है और हम एक एक करके आपको स्टेप बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आखिर किस टेक्निक से बनाने पर उसका आंसर 100% सही आता है। तो आपको वह टेक्निक जो है बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। अगर आप उस टेक्निक को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो शायद सवाल को बहुत फास्टली कर पाएंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप इस तरह से इसका नाम डाल देंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद जब यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पर ईयर भी डाल दीजिए, सवाल के मुताबिक 31 मार्च 2023 है। इसके बाद पार्टिकुलर रुपीज, बहुत सारे बच्चे डेबिट क्रेडिट में कन्फ्यूज होते हैं, इस साइड में भाई डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो दोनों साइड हमने डेबिट क्रेडिट से बता दिया है कि डेबिट साइड, अगर मैं मान लो बोलता हूँ डेबिट साइड में लिखा जाएगा तो इस तरफ लिखा जाएगा, अगर मैंने क्रेडिट बोला है तो इधर लिखा जाएगा, यह भी ध्यान आपको रखना है। सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग स्टॉक को लिखना और परचेज को लिखना, स्टार्टिंग में हम इन्हें ही लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो कहाँ पे है फटाफट ढूंढ लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ये रहा जिसे हम प्रारंभिक रहतिया बोलते हैं 30,000 का, परचेज है 60,000, तो हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 60,000 लिया है। लेकिन परचेज में रिटर्न को जरूर चेक किया करिए, तो अगर मान लो परचेज डेबिट साइड में है तो इसका रिटर्न क्रेडिट में ही मिलेगा, ये मत सोचना कि परचेज ये है तो इसका रिटर्न भी यहीं नीचे रखा हुआ है, यहाँ वापसी तो लिखा है परंतु ये जो है यहाँ पर सेल लिखा है विक्रय, तो अगर विक्रय क्रेडिट में है तो उसका जो रिटर्न है वो डेबिट होगा, परचेज अगर डेबिट में है तो इसका जो रिटर्न है वो क्रेडिट वाला होगा। इन्होंने वापसी लिख दिया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये सेल है तो इसका रिटर्न इसे मान लेंगे, ये परचेज है इसका रिटर्न इसे मान लेंगे। अरे भाई जब सेल और परचेज में अंतर है तो इनके डिफरेंस, इनके वापसी में भी तो अंतर होगा, परचेज अगर डेबिट है तो उसका रिटर्न क्रेडिट है, सेल क्रेडिट है तो उसका रिटर्न डेबिट है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे सेल ये रहा, उसमें से 1,000 घटाया 1,76,000 आ गया, परचेज में से 750 घटाया 59,250 आ गया 59,250। इसके तुरंत बाद वेजेज आपको ध्यान देना होगा, वेजेज यानी भाड़ा, मजदूरी और क्या बोलते हैं किराए पर भाड़ा, ये ऐसे खर्चे हैं जो हमने फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है, उन्हें सबसे पहले ढूंढ ढूंढ करके भर देंगे। और उससे पहले आपको ये देखना है कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कोई समय योजना है तो नहीं, अगर है तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने समय योजनाओं को पढ़ा तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डालने वाला सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है और कुछ नहीं है, तो हम सेल के तुरंत बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 35,000 का, ये हमारा क्रेडिट साइड में और कुछ आता ही नहीं है सेल और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा। इसके बाद हम ट्रेडिंग का डेबिट साइड का और खर्चा ढूंढेंगे, तो यहाँ पर मजदूरी मिल गया 10,000 रुपये, तो सबसे पहले प्रोडक्टिव वेजेज यहाँ पर लिख देंगे खर्चों में। उसके बाद फ्रेट भाड़ा, यहीं पर लिखा है भाड़ा आंतरिक, फ्रेट इनवार्ड बोलते हैं इसको, फ्रेट लिख देंगे 1950 रुपये का, ये रहा। इसके बाद पूरे सवाल के अंदर कहीं भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो अब हमारा काम होगा हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड वाला कुछ ज़्यादा ही है, इसका टोटल 2,11,000 है जबकि इसका टोटल जो है कम है, तो इसका मतलब है कि इसका जो टोटल है वो लगभग 1,00,000 से कम ही बैठ रहा है, तो मतलब 1,59,990,100 1,01,200 बैठेगा, तो इसमें से हम 1,01,200 घटाएंगे तो 1,09,800 आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट सीडी के नाम से लिख करके इसको तुरंत, ये वाला पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करेंगे, इसी को ही यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इधर अगर मान लीजिए ये ज़्यादा होता ये कम होता तो हम यहाँ बाय ग्रॉस लॉस सीडी लिखते यानी कैरीड डाउन, तो वो हमारा इधर आता टू डेप्रिसिएशन के बजाय सबसे ऊपर हमें टू ग्रॉस लॉस बीडी करते, ब्रॉड डाउन करते और यहाँ लिख देते। फिलहाल इस सवाल में प्रॉफिट हुआ है तो उसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम सबसे पहले समय योजनाओं को ध्यान में रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाए पहले समय योजनाओं को ध्यान दीजिए। प्लांट और मशीन पे 10% ह्रास काटने के लिए कहा है, तो प्लांट और मशीन को आपको देखना होगा कहाँ पे है, 80,000 रुपये यहाँ लिखा है, तो 80,000 का आपको 6% काटना है,
8 6 = 48 यानी कि 8 6 = 48, तो इसका मतलब ये होता है कि 80,000 का 6% काटेंगे तो ये 4800 होगा। तो हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 4800 लिख दिया है। इसके बाद अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान देख लो, यहाँ पर आना शुरू हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये है 500 रुपये का। यहाँ पर कोई अगर बैड डेट्स है यानी अशोध ऋण या अप्राप्य ऋण के नाम से कुछ लिखा है तो उसमें इसे जोड़ देंगे। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन एक अप्राप्य ऋण प्रावधान क्रेडिट साइड में लिखने के लिए कहा गया है। अब ये 500 रुपये को हम डेबिट साइड में लिख देंगे बैड डेट्स के नाम से या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, यहाँ पर 500 रुपये लिखा जाएगा। और वो जो हमने दिखाया था आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड वाला जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना होगा। इसे हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया क्योंकि ये हमारी बचत है, इनकम है। इसके बाद पूंजी पर 5% ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी 50,000 का है, इसका 5% 2500 रुपये होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 रुपये। इसके बाद बोलते हैं लाभ का 2.5% रिजर्व फंड यानी संचित कोष में ले जाना है, तो अभी लाभ आया नहीं है अभी, अब हमने समायोजनाओं को समाप्त कर दिया है। अब हम यहाँ से एक एक करके उन खर्चों को देखेंगे जिनको अभी हमने लिखा नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो छूट आ रही है, यहाँ पे 350 रुपये डेबिट साइड में भी है, क्रेडिट में भी है, तो इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में भी लिखेंगे और इधर क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से 800 रुपये लिख देंगे। इसके बाद बैंक चार्जेज है 75 रुपये का, तो बैंक चार्जेज 75 रुपीज का। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हम पहले समायोजनाओं को समाप्त किए हैं उसके बाद एक एक करके खर्च को आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद देनदार लेनदार हमारे खर्चे नहीं, वेतन है 6800, इसके बाद हम वेतन लिखेंगे यानी सैलरी 6800 रुपये। इसके बाद उत्पादन मजदूरी ये सब तो हो गया, किराया व कर 10,000 रुपये और विज्ञापन 2,000 रुपये, तो ये रहा रेंट एंड टैक्स 10,000, एडवर्टाइजमेंट 2,000। हमारी समायोजनाएँ सारी समाप्त हो गई। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ करके जो हमारा यहाँ पर आएगा टोटल वो 11,125 यानी कि 1,11,125 आएगा। तो इसको ही हम यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि यही ज़्यादा है, ये खर्चे तो कम है। तो 1,11,125 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक के खर्चे को जोड़ देंगे। जोड़ करके ये 1,11,125 में से घटाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट सीडी हम लिखेंगे 84,100, क्योंकि अभी हमें इसमें से कमीशन भी काटना है, तो हमने सीडी करके यहाँ पर ले आए, बाई नेट प्रॉफिट बीडी कर दिया यहीं तुरंत 84,100। इसका हमने 2.5% यानी 2.5% काट लिया, तो ये आ गया रिजर्व फंड, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ क्वेश्चन में लाभ का 2.5% संचित प्रतिशत यहाँ पर कोष में ले जाना है, तो ये जो हमने रिजर्व फंड में 2.5% ले जाने के बारे में सोचा है तो वो यहाँ पर डालेंगे 84,100 रुपये का 2.5% काटेंगे, 2,102.50 रुपये आएगा, तो 84,100 में से 2,102.50 रुपये घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा वो 81,997 रुपये का होगा, जिसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमने यही लिया है तुरंत। तो ये रहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप डेट डाल दीजिए 31 मार्च 2023 का, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये इसका फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट के मुताबिक आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले कैपिटल आती है पूंजी, पूंजी में हम नेट प्रॉफिट और उसका ब्याज जोड़ते हैं, तो पूंजी यहाँ पर है 50,000 रुपये और 5% उसका ब्याज भी था, और हमारा शुद्ध लाभ जो हमने 81,997.50 रुपये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र वाला बोला था ये वाला, तो 81,997.50 ये, और ये जो रिजर्व फंड है ये दोनों बाहरी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत रिजर्व फंड हमें प्राप्त हुआ है, ये लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे और नेट प्रॉफिट को 81,997.50 को कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये रहा हमारा पूंजी, इसमें हमने नेट प्रॉफिट जोड़ा और पूंजी का ब्याज जोड़ दिया, इसी 50,000 का 5% यहाँ पर पूंजी का ब्याज बोला गया है, तो इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि इसमें ड्रॉइंग नहीं है, अगर ड्रॉइंग होती तो
तो ये रकम हम यहाँ लिखते, फिर ड्राइंग को घटा के तब यहाँ लिखते। इसके बाद क्रेडिटर्स जो कि लेनदार है, यहाँ देनदार लेनदार एक साथ है, तो ये पहला वाला देनदार है, अगला वाला लेनदार है, तो लेनदार हमेशा क्रेडिट में होते हैं, देनदार डेबिट में होते हैं। तो 25,000 का लेनदार है, ये रहा। रिजर्व फंड जो मैंने अभी बताया वो यहाँ लिख दिया गया है। इसके बाद इसका जो टोटल करेंगे तो 1,61,600 आएगा इन तीनों का टोटल। उसके बाद एसेट्स में चलते हैं। एसेट साइड में अब यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले फिक्स एसेट्स को ही लिखेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मेट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखोगे। इधर कैपिटल से जब शुरुआत करेंगे तो इधर हम फिक्स एसेट्स लिखना प्रारंभ करेंगे। तो मशीनरी यहाँ पर 80,000 की है, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर 6% बोला है, 4,800 रुपये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था वो यहाँ पर माइनस करके 75,200 आएगा। इसके बाद बिल्डिंग वगैरह आती है, तो बिल्डिंग तो इसमें दिया ही नहीं है, फर्नीचर भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स इनको लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये रहा 35,000, इसको लिखेंगे, और जो हमारे देनदार हैं डेटर्स वो है 45,000, 45,000। इस डेटर्स को आपको ध्यान रखना होगा, ये जो डेटर्स का अमाउंट है, यह अमाउंट आपको बैड डेट्स, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा होता है उसे माइनस करना होता है। तो डेटर्स हमारे पास 45,000 के हैं, इसमें से हम 500 रुपये बैड डेट्स वाली ये रकम जो 500 की है इसे माइनस कर देंगे। तो 45,000 में से 500 माइनस किए, 44,500 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 का है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इनको भी लिखना है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे नगद रोकड़ और बैंक में रोकड़ दोनों लिखा है। उन दोनों को लिखने के बाद फिर इधर का भी टोटल करेंगे तो 1,61,600 आ जाएगा। यहाँ पर बैलेंस शीट पूरी तरह से अब मैच हो चुकी है दोनों तरफ। यहाँ पर देखेंगे आप दोनों तरफ सेम अमाउंट आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो चुकी है। तो 1,61,600 दोनों तरफ आ गया है इसका बैलेंस, और हम बैंक उसमें अब आंसर मिलाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1,61,600 81,997.50 जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में, और संचित कोष रिजर्व फंड का भी आंसर है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट का भी आंसर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट है, ये रिजर्व फंड भी आ गया है। बैलेंस शीट आपने देख ही लिया। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें होना चाहिए था, वीडियो में इस चीज़ की कमी है, तो वह आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए, ताकि हम उस चीज़ को, उस आइटम को या उस कमी को डालें और पूरा कर दें, जिससे कि वीडियो में और अच्छापन आ जाए, जिससे आप लोगों को और पसंद आए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स आप कंटिन्यू लेते रहिए। अगली वीडियो में हम फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम विद एडजस्टमेंट और भी लेकर आ रहे हैं, अन्य चैप्टर्स को भी हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने कमेंट में जिस चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट हो, सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, वह ज़रूर अपने कमेंट में बताइए, जिससे कि हम उसी चैप्टर पर आधारित वीडियोज आपके लिए ले आएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।